हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चौहान एंड आई एम पुष्पांजलि चौहान। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन मालू भालू। दिस इज अ पोयम फ्रॉम क्लास 5 एनसीईआरटी बुक ऑफ इंग्लिश। डूइंग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द पोलर बियर लीव विद हर फैमिली। The polar bear lived with her family in an icy layer. Polar bear कहाँ रहता था? एक icy layer यानी कि मांद में, den में, जो कि बर्फ से ढकी होती थी। What did Malu learn to do from her parents? Answer: Malu learned to catch small and big fish. She learned all the things her parents knew. Malu जो bear का ही एक baby था, उसने क्या-क्या सीखा? बड़ा या छोटा मछलियों को पकड़ना और उसके पेरेंट्स जो भी जानते थे वो सब कुछ सीख लिया। Where did the Malu want to travel? कहाँ जाना चाहता था मालू? Answer: Malu wanted to travel beyond the blue sky. आसमान से भी आगे क्या है वो देखने का उसे मन करता था। कुष्मो को What was it that Malu's parents wanted her to learn? Answer: Malu's parents wanted her to learn how to swim. मालू के पेरेंट्स जो हैं वे चाहते थे कि मालू सीख जाए कैसे स्विम करना है, तैरना कैसे है। Next question, question number 5. Was Malu scared to swim? Did she learn easily? क्या मालू डरता था स्विमिंग सीखने में? क्या वो सीख गया था ठीक से? Answer: Yes, Malu was scared to swim, but soon her fear was gone. She learned to swim easily. लेकिन बहुत जल्दी ही उसका जो डर है एक ही बार में जब उसकी माँ सिखा रही थी तो डर भाग गया और वो जल्दी ही सीख गया। Question number 6. Read the last two stanzas of the poem. Whom does she stand for in both? Answer: In the first stanza, she stands for Malu. In the second stanza, she stands for Malu's mother. आप स्टैंजा को फिर से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू। मालू भालू जो है, बेबी बियर जो है, उसका एक कैरेक्टर स्टिक, उसके बारे में पढ़ के आपको कैसा लगा, वो कैसा हो सकता है दिखने में, वो सब कुछ आपको लिखना है। आंसर: मालू वॉज अ फीमेल बियर। हमें ये पता चलता है कि मालू एक फीमेल बियर है। शी वॉज यंग, हर हेयर वॉज व्हाइट एंड ब्राइट। उसके बाल जो है एकदम सफेद और बिल्कुल चमकदार। She was clever and learned to catch fish. वो बहुत चालाक और वो जल्दी ही मछली पकड़ना भी सीख गई थी। She was adventurous. वो adventurous थी क्योंकि किस बात से पता चलता था कि वो आसमान के उस पार क्या है वो भी देखना चाहिए, बहुत दूर तक जाके देखना चाहती थी। She was impatient to go far away from home, but she did not know how to swim. लेकिन वो स्विम करना नहीं जानती थी। Her mother taught her how to swim, but she soon learned to swim naturally with her mother. नहीं जानती थी स्विमिंग, मगर फिर भी बहुत ही जल्दी ही naturally सीख गई थी कैसे स्विम करना है। Okay, there is unseen passage. We have to read it first. Question number 8. Read the following passage carefully. One day, Meena plucks a mango and brings it home. एक दिन मीना ने आम तोड़कर घर लेकर आई। Her grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. राजू को उसके दादी ने बड़ा वाला पीस दे दिया क्योंकि राजू एक लड़का है। मीना प्रोटेस्ट। मीना ने तब अपनी दादी से कहा, After all, she brought the mango and she is the elder of the two. उसने कहा कि मैं बड़ी हूँ दोनों में से और मैं ही मैंगो लेकर आई, फिर भाई को किससे ज्यादा मिल रहा है। She insists she has a greater right over her share. Her father comes to her help and divides the mango equally. Now answer the question. और वो चाहती थी कि उसका उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, और तभी उसके फादर आए और दोनों को इक्वल हाफ में बांट के दे दिया। तो अब क्वेश्चन है इसमें कुछ, हु ब्रॉट द मैंगो होम? आंसर: मीना ब्रॉट द मैंगो होम। नंबर 2, व्हाई डिड मीनास ग्रैंडमदर गिव अ लार्जर पीस टू राजू? राजू को किस लिए बड़ा पीस दे दिया था मीना की ग्रैंडमदर ने? आंसर:
मीना's grandmother gave a larger piece to Raju because he was a boy. क्योंकि राजू एक लड़का है. नंबर थ्री, who do you think should have got the larger piece? असल में किसको बड़ा वाला पीस मिलना चाहिए था, आपको क्या लगता है? आंसर, आई थिंक मीना शुड हैव टू गेट द लार्जर पीस. मीना को मिलना चाहिए था, और आप कह सकते हैं कि दोनों को समान मिलने से भी, इक्वली मिलने से भी हो जाएगा. अगर अब फिर भी मीना को ज्यादा मिलना चाहिए था, क्योंकि मीना ही जो है आम ढूंढकर पेड़ से तोड़कर लाई थी. नंबर नाइन, यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योरसेल्फ इन द स्पेस बिलो. नेम, प्लेस यू लिव इन, फिजिकल फीचर्स, हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स एक्सेट्रा, इन सब को मिलाकर आप अपने बारे में लिखेंगे. इस तरह से, माई नेम इज सनी, मेरा नाम सनी है. आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, मैं 12 साल की हूँ. आई लिव इन हिमाचल विलेज, मैं हिमाचल के विलेज में रहती हूँ. इफ यू लिव इन आसाम सिटी, देन यू कैन राइट लाइक दैट. वेयर एवर यू लिव, आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं वैसा लिखिए. आई एम 1.20 मीटर्स टॉल, आप लोग कितने ऊंचे हैं वो लिखिए. आई हैव फेयर स्किन, ब्लैक हेयर एंड डार्क आइज. आई हैव शार्प नोज एंड वाइट स्पार्कलिंग टीथ. आई नेवर स्पीक लाउडली. आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स. आई डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन. इस तरह से आप ही अपने बारे में लिखिए. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क यू टू डू? Things you like to do, things you do not like to do, looking after my baby brother, telling lie, ये सब कुछ आपको अच्छा लगता है? Playing cricket, cleaning clothes, helping my grandparents, make quarrel, running errands, getting up too early. इसमें से कौन कौन से आपको अच्छे लगते हैं, कौन कौन से नहीं? Telling lie, thing you should not like to do this. You should not tell lie. आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए. Playing cricket, you may like. Cleaning cloth, you may like or someone may not like also. कोई कोई, किसी किसी को अच्छा लगेगा, किसी किसी को नहीं भी लग सकता है. तो ये आप अपने मन से लिखिए. क्वेश्चन नंबर 11, मालू लिव्ड विथ मालूज पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल. मालू हैड ग्रेट फन विथ मालूज सीगल फ्रेंड्स. वन डे मालूज फादर टोल्ड मालू दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप मालू एंड मालूज फैमिली. मालू जो है वो नॉर्थ पोल में रहता था, जहाँ पूरा जगह बर्फ से ढकी होती है. और मालू जो है वो सीगल जो है उसके साथ खेलता था. सीगल जो है एक बर्ड है जो सी के ऊपर से उड़ते हुए जाती है, आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक में. एक दिन मालू के फादर ने मालू से कहा कि कुछ हंटर आए हुए हैं, शिकारी आए हुए हैं, तुमको या फिर हमारे फैमिली मेंबर में से किसी को भी पकड़ सकते हैं. मालू न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल, लेकिन मालू को बहुत अच्छे से पता था कि छुपना कैसा चाहिए. मालू शट मालूज आईज एंड कर्ल्ड अप लाइक ए बॉल ऑफ स्नो. मालू क्या करता था, अपनी आंखों को बंद करके वो अपने आप को बॉल जितना एकदम राउंड बनाकर और कर्ल्ड अप फिसल के निकल जाता था जब हंटर्स आते थे. द हंटर्स सर्च्ड फॉर मालू एंड मालूज फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन. मालू और मालू की फैमिली को हंटर्स ढूंढती रहती है, लेकिन वे नहीं मिल पाते हैं. वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाई यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन देयर प्लेस. स्टडी द टेबल बिलो. हम लोग नाम को यूज ना करके, मालू ना कह के शी कह सकते हैं, है ना, दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, ही कह सकते हैं. तो पर्सन स्पीकिंग, जो व्यक्ति बात कर रहा है, आई या मी कह सकते हैं. आई जो है वो सिंगुलर, मी सिंगुलर, वी अस That means plural, हम सारे plural. Person spoken to, जिससे बात करते हैं you कह सकते हैं उसको. Singular में भी you, plural में भी you. Other persons, जैसे he, हम जब दूसरे आदमी के बारे में, किसी के बारे में बात करते हैं तो he, him, she, her. फिर उसका जब plural आता है तो they, them, इस तरह से plural में use करते हैं. Places and things, it, जो भी सामान होते हैं या जगह होते हैं उसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग इट यूज करते हैं. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. नाउ रीराइट द एबव पैराग्राफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव टेबल. लेसन के पीछे में ही दिया हुआ एक पैराग्राफ, उसी को फिर से लिखना है इन वर्ड्स को यूज करते हुए. जैसे मालू लिव्ड विथ हर पेरेंट्स हर. हर जो है किसके लिए कहा गया है, मालू के पेरेंट्स के लिए. इन द नॉर्थ पोल
मालू अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्थ पोल में रहती थी. शी हैड ग्रेट शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मालू ग्रेट फन विथ हर. फिर अपने बारे में सी गर्ल फ्रेंड्स. वन डे हर फादर टोल्ड हर दैट. वन डे मालूज फादर टोल मालू दैट. इस तरह से भी बोल सकते हैं, बिना नाम को बोले भी हर भी बोल सकते हैं. दैट हंटर्स हैड कम टू ट्रैप हर एंड हर फैमिली. शी नो हाउ टू हिट वेरी वेल. शी शटराइज एंड कर्ल अप लाइक ए बॉल ऑफ स्नो. द हंटर्स सर्च फॉर हर एंड हर फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन. सो इस तरह से हम लोग नाम की जगह में दूसरे वर्ड्स यूज करके भी लिख सकते हैं. ग्रामर खूब प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा आपको ग्रामर कराना है, तो मैं कराऊंगी. बीच बीच में मैंने ग्रामर के कुछ लेसन डाले हैं. आप लोगों ने प्यार भी बहुत किया है बहुत, और भी आप लोग मुझे कमेंट कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा. और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. आप लोग शेयर कर तो रहे हैं लेकिन आपके फ्रेंड्स जो व्हाट्सएप से यूज़ करते हैं वे लोग फिर सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन्हें भी कहिएगा कि सब्सक्राइब कर ले. सो थैंक यू एंड स्टे एट होम, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग विथ मी.